कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यशपाल जी ने साफ बोल दिया, जो रुड़की में फाइट है प्रदीप बत्रा और यशपाल जी की फाइट है, इसमें आप क्या कहेंगे? वो फाइट बांधते होंगे, हम तो फाइट बांधते नहीं, हम तो एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदीप बत्रा। प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। प्रदीप बता जी इस समय हमारे साथ है, हम देखते हैं कि डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। सर जनसंपर्क कर रहे हैं तो किस तरह की आप देख रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, किस तरह से प्यार मिल रहा है? असीम प्यार और असीम उत्साह है लोगों में, और भरपूर प्यार जनता का मिल रहा है, और लोगों ने मन बना लिया है और तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो हमने बनानी है, और उनकी सीट तो भारी बहुमतों से विजयी बनानी है और भारतीय जनता पार्टी झोली में डालनी है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यशपाल जी ने साफ बोल दिया, जो रुड़की में फाइट है प्रदीप बत्रा और यशपाल जी की फाइट है, इसमें आप क्या कहेंगे? वो फाइट बांधते होंगे, हम तो फाइट बांधते नहीं, हम तो एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदीप बत्रा। और लोग जानते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, केवल चुनाव के समय में आ गए हैं और वोट मांगने के लिए। जिस पार्टी ने विकास किया, 5 साल काम किया, एक रोड मैप के तहत काम किया, वो लोगों को दिखाई दे रहा है। शहर में जितने भी काम हुए हैं सब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करे, और अगर इस विकास को गति देनी है तो लोग मन बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है और विकास को आगे बढ़ाना है। और उनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है, केवल और केवल सिर्फ हल्ला मचाने का और झूठे जुमले हैं। और यशपाल जी ने कहा तो हमारे चैनल के माध्यम से कहा था, जब आप चेयरमैन थे भ्रष्टाचार तो तब भी आप देख सकते हैं काफी हुआ है, भ्रष्टाचार के सिवा प्रदीप बत्रा जी ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, क्या आप बोलना चाहेंगे आप यशपाल जी? यशपाल जी क्या कहते हैं, उनकी बातों का ध्यान नहीं लेता, मैं जनता के बीच रहता हूँ, जनता का व्यक्ति हूँ, जनता से बात करता हूँ, और जनता जो कह रही है उस आवाज को सुनो, उस बात को सुनो। सर आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं आती हैं किस तरह से समझा रहे हैं सरकार की योजना? सरकारी योजनाओं क्रियान्वयन लगातार हो रहा है और लोगों को लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जब से हुआ है, बीच का भ्रष्टाचार बंद हुआ है, मोदी जब से है देश में कहाँ देश खड़ा हो गया, और कांग्रेस ने तो देश को चौराहे पे खड़ा कर दिया था। 3G घोटाला, 4G घोटाला, दुनिया भर के घोटाले, जमीन से लेकर पाताल से लेकर आसमान तक घोटाले। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है 7 साल से, हमारा मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया, देश आगे बढ़ाया, आज हम कोरोना से लड़के आगे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। तो आप देख सकते हैं प्रदीप बत्रा जी इस समय हमारे साथ से सभी कार्यकर्ता हैं, मोदी के साथ उन्होंने कह दिया है कि जो भ्रष्टाचार की बात की गई थी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो विकास कार्य क्षेत्र में हुआ है वो लगातार होता रहेगा। आप देख रहे हैं टाइम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।